हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शेयर कर रही हूँ एक ऐसी रेमेडी जो आपका हेयर फॉल रोककर आपकी हेयर ग्रोथ को बहुत ही फास्ट कर देगा और साथ ही आपके हेयर्स बहुत ही मजबूत हो जाएंगे। ये मिनटों में बन जाने वाली रेमेडी के जो इंग्रेडिएंट है आपके किचन में आपको आसानी से मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर लेंगे एक ऑनियन और उसे पील कर लेंगे। इस रेमेडी में हमें सिर्फ एक ऑनियन की ज़रूरत है, यानी कि प्याज के छिलकों की। और प्याज के छिलके आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, साथ ही आपको समय से पहले अगर बाल सफ़ेद होने लगे हैं तो उन्हें भी काला रखने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। हेयर फॉलिकल को ये स्ट्रॉन्ग बनाएगा जिससे कि आपका हेयर फॉल कम्प्लीटली बंद हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ले लेना है एक प्याज और इसके जो ऊपर के जो पतले पतले छिलके होते हैं उन्हें आपको इस तरह से निकाल लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर चाकू का भी यूज़ कर सकते हैं, बट आपके फिंगर की हेल्प से आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। प्याज के छिलके सिर्फ आपके बालों को तेज़ी से उगाने और उनकी मजबूती के लिए ही नहीं, बल्कि ये आपके बालों को दोबारा उगाने में भी मदद करेगा। और प्याज में पोटेशियम, विटामिन ई, सी, ए होता है और ये आपके बालों में केमिकल ट्रीटमेंट करवाया है तो उसके नुकसान से भी आपके बालों को बचाएगा। और ये एक नेचुरल ऑक्सीडेंट की तरह आपके बालों पर काम करेगा जिससे कि आपके बाल काफ़ी शाइनी और स्मूथ हो जाएंगे। तो आपको अभी इन प्याज के छिलकों को एक बर्तन में डाल देना है और उसमें पानी ऐड कर लेना है, एक ग्लास पानी ऐड कर लेना है और इसे गैस पे चढ़ा देना है। 5 से 10 मिनट के लिए आपको गैस पर रखना है और इसे पकाना है। 5 से 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि जैसे ही पानी उबलने लगेगा तो इसका जो पानी का कलर है वो धीरे धीरे चेंज होने लगेगा और ऑनियन यानी प्याज के छिलकों का जो कलर है वो पानी में ऐड होने लगेगा। प्याज के छिलकों के जितने भी गुण हैं इस पानी में ऐड हो जाएंगे। तो आपको इस पानी को 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से उबालना है। उबालने के बाद में आप इसे गैस को बंद कर दीजिए और इस पानी को ठंडा होने के लिए रख दीजिएगा। तो जब ये पानी ठंडा हो जाए तब आप इसे किसी भी स्ट्रेनर की हेल्प से इसे स्ट्रेन कर ले, यानी कि छान ले। और छानने के बाद में इस पानी को आप किसी भी स्प्रे बॉटल में स्टोर कर 5 से 6 दिन के लिए अपने फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो आपको इसे यूज़ कैसे करना है, शैम्पू करने से आधा घंटे पहले आप इसे अपने बालों की स्कैल्प में अच्छे से लगा लें और मसाज कर लें और फिर हेयर वॉश कर लें। और अगर आप चाहें तो शैम्पू करने के बाद भी इसे यूज़ कर सकते हैं। शैम्पू कर लें और उसके बाद इस पानी को अपने बालों में 10 से 15 मिनट तक लगा रहने दें। यह एज ए कंडीशनर भी आपके बालों में अच्छा वर्क करेगा। तो 1 महीना तक आप इसे ट्राई करके देखें, आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। आपके जो बालों की ग्रोथ रुकी हुई है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की रेमेडी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।